कॉन्टेक्चुअलाइज दीज थिंग्स, यू नो, जो हमारी पहले हमने जब डिस्कशन की थी व्हेन यू गॉट इन टच विद मी, तब भी ये चीज हमने डिस्कस की थी कि यू नो द लॉज एंड द रूल्स दे चेंज, दे शुड चेंज विद टाइम्स। और महाभारत और राइट रामायण में सबसे ज्यादा एक एक चीज हमें यही नजर आती है कि रामायण में जो राम जी हैं ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम, वो हर एक रूल फॉलो करते हैं, हर एक रूल फॉलो करते हैं, चाहे वो अनजस्ट हो। उनको उनका घर छोड़ना वॉज अ वेरी अनजस्ट डिमांड, यू नो, कि अगर वो राजा नहीं भी बन रहे, वाई शुड ही गो टू द फॉरेस्ट, ही कैन स्टिल बी अ राइट मिनिस्टर इन द काउंसिल, या वो अपने भाई की हेल्प कर सकते हैं, कैकेयी कुड हैव आस्क्ड दैट। बट नहीं, उसको डर था कि राम के कारण रिबेलियन हो सकता है, यू नो, सिटीजंस में, तो शी आस्क्ड हिम टू गो टू द फॉरेस्ट, यू नो, फॉर 14 इयर्स। तो बहुत अनजस्ट चीज थी और उन्होंने फॉलो की, उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया। और लक्ष्मण जो थे वो चैलेंज करना चाहते थे, ही सेड दैट आई विल रिबेल इन ऑन योर बिहाफ, मैं अपने फादर के अगेंस्ट रिबेल करने को रेडी हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट इज अबाउट द एंटायर अयोध्या, पूरी जो सारी सिटीजन जो है, पूरी प्रजा जो है अयोध्या की, वो आपको राजा देखना चाहती है। सो वाई राइट शुड यू गो, वाई शुड यू लीव विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर्स, यू नो, यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू सिट ऑन द थ्रोन। पर राम जी ने रूल फॉलो किया। कृष्ण जी को अगर आप देखोगे महाभारत में, उन्होंने सारे रूल्स तोड़े, उन्होंने सारे रूल्स तोड़े। और इनफैक्ट आप देखोगे महाभारत में जो रूल्स फॉलो करता था वो था युधिष्ठिर, उनको इसलिए राइट धर्मराज भी कहते थे, वो धर्म फॉलो करते थे, वो रूल्स फॉलो करते थे। बट कृष्ण जी ने उन्हें ये दिखाया कि जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो वो एक अलग युग के लिए सही था। राम जी थे त्रेता युग में और कृष्ण जी थे राइट द्वापर युग में, तो रामायण त्रेता युग में हुई थी और महाभारत द्वापर युग में हुई थी। और कृष्ण जी ने ये दिखाया कि आपको जो रूल्स फॉलो करने का जो टाइम है ना, वो आप उस सोसाइटी में कर सकते हो जिसमें सारे लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। बट अगर ट्रू इस टाइम पीरियड में, द्वापर युग में, जहां कोई वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, दुर्योधन दुशासन को रूल फॉलो नहीं कर रहा, दे आर डिसरोबिंग योर वाइफ इन फ्रंट ऑफ योर ओन आईज, और आप फिर भी अगर रूल्स को पकड़ के बैठोगे, सो दैट इज नॉट अ वे टू लिव इन दिस टाइम। सो ये जो राइट चीज है ना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, कि जो रूल्स और जो लॉज है वो सिचुएशनल है, कंटेक्चुअल है, और वो टाइम के साथ चेंज होने चाहिए। और इनफैक्ट, यू नो, हमारे जो, यू नो, देर इज नो वन बुक, लॉ बुक इन हिंदुइज्म, राइट मतलब बहुत लोग राइट मनुस्मृति को बोलते हैं, या हिंदू कोड ऑफ लॉज जो है, मतलब इट इज डिराइव फ्रॉम मनुस्मृति अपेरेंटली, बट दैट इज नो, देर इज नो वन सिंगल बुक, देर आर एटलीस्ट 15-20 मोर देन दैट बुक्स जो धर्मशास्त्र हम उनको बोलते हैं। और वो इतनी सारी बुक्स क्यों है? बिकॉज हर अलग अलग युग में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग लोगों ने उस टाइम के लिए रूल्स बनाए थे। और अभी ओके भी अगर आप देखोगे, देर आर लॉज इन आर ओन इंडियन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, जो अंग्रेजों के जमाने के अभी तक चल रहे हैं, राइट? सो देर वॉज दिस देर वर वेरी देर लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉज विच नीड टू बी चेंज्ड, एंड यू नो सम ऑफ देम हैव बीन चेंज्ड ओवर द इयर्स, बट बहुत सारे हैं जो अभी भी चेंज करने बाकी हैं। सो हम अपने हिस्ट्री से ही नहीं सीख रहे हैं, हमारे टेक्स्ट में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया है कि आपको रूल्स फ्लूइड रखने हैं, आपको जो लॉज है वो यू नो दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और आपको टाइम के साथ वो चेंज करने हैं। लेकिन हम मॉडर्न सोसाइटी में आके हम अभी तक अंग्रेजों के बनाए हुए रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो विच इज समथिंग, यू नो, राइट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लूज टच विद योर रूट्स, क्योंकि हमारी जो राइट सोसाइटी थी दैट वाज ऑलवेज इवॉल्विंग, इट हैज बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। जो हमारे राइट स्क्रिप्चर्स है, दे हैव बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, देर हैव बीन न्यू स्क्रिप्चर्स दैट हैव कम अप, देर हैव बीन न्यू फिलोसफीज दैट हैव कम अप। और वेदांत जो एक फिलोसफी थी, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिलोसफीज एंशियंट इंडिया में, जो 6 फिलोसफीज थी उसमें से वेदांत बिकेम सुप्रीम बिकॉज ऑफ आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य वॉज अ गुरु जो कि राइट केरला में जन्मे थे, और उन्होंने पूरे कंट्री का भ्रमण किया पैदल, और उन्होंने चारों कोनों पे कंट्री के मठ बनाए जहां से नॉलेज स्प्रेड की जा सके, और उन्होंने रिवाइव किया एक तरह से हिंदुइज्म में, नई चांद फूंकी उन्होंने हिंदुइज्म में, क्योंकि उस टाइम पे जो एथिस्टिक फिलोसफी थी वो बहुत पॉपुलर थी। तो वापस ओके लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए उन्होंने वेदांत का सहारा लिया और उन्होंने उसको पॉपुलराइज किया। वो ये सब ओके चीजें हमारी हिस्ट्री में हो चुकी हैं, तो हमें भी वो सीखना चाहिए कि हमें अपने हिस्ट्री में जो रेलेवेंट चीजें हैं, हमें उनको अपनी मॉडर्न लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज इट इज हिस्ट्री और इट इज बिकॉज इट इज इन द पास्ट,
हम उन सब चीजों को भूल जाए, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। और हमारे जो लॉ बुक्स है, इनफैक्ट जो अभी कलयुग के लिए देयर इज अ लॉ बुक कॉल्ड पराशर स्मृति, सो कलयुग राइट में पराशर स्मृति इज द रेलिवेंट लॉ बुक, और उसमें ये भी लिखा गया है कि मनुस्मृति वॉज रेलिवेंट फॉर सतयुग। त्रेता युग के लिए देवर लॉज गिवन बाय याज्ञवल्क्य एंड गौतम, द्वापर ओके में देवर शंख एंड लिखित जिनके लॉज चलते थे, और कलयुग के लिए पराशर स्मृति इज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट। बट पराशर स्मृति में ये भी लिखा गया है कि वेन एवर यू फील लाइक चेंजिंग द लॉज, और इफ द सिचुएशन डिमांड्स, और इफ द सोसाइटी डिमांड्स अ चेंज इन लॉज, देर हैज टू बी अ काउंसिल ऑफ लर्निड पीपल। मतलब आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, देर दे मेंशन कि 10 लोग, 10 लर्निड लोग होने चाहिए जिन्हें स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, जिन्हें वेदों की नॉलेज है, जिन्हें सारे एंशियंट टेक्स्ट की नॉलेज है, और वो मिलके अलॉन्ग विद द किंग, द लीडर ऑफ द कंट्री, दे शुड मेक न्यू लॉज। सो दिस ओके फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन गिवन पराशर स्मृति ऑल्सो, जो कि खुद एक लॉ ओके बुक है कलयुग के लिए। वो खुद ये बोल रही है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं मानना है मत मानो, अगर तुम्हें लगता है लॉज चेंज करने हैं तो चेंज करो, बट वो लॉज कौन बनाएगा? 10 लर्निड लोग अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ द लर्न कंट्री। ओके सो वो इंजंक्शंस भी दी गई हैं। हाउ मेनी पीपल नो दिस? यू नो, यू गाइस आर स्टडिंग लॉ, डू यू नो दिस? हैव यू बीन इवन टोल्ड कि ऐसा कुछ है? नो सर, नॉट एट ऑल. There is एग्जैक्टली no mention एग्जैक्टली मैं of बोल रहा हूँ। Parashar Smriti. सी There is दैट no इज व्हाट आई एम mentioning in the सेइंग, law कि book. हम लोग अपनी ही जो रूट्स को जब हम भूल चुके हैं ना, सो हमें पता नहीं है, हमारे टीचर्स को पता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो हैवन्ट बीन टॉट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे हैवन्ट बीन टॉट दैट, राइट? उन्होंने जब लॉ किया होगा इंडिया में, उनको भी वही ब्रिटिशर्स के ही लॉ सिखाए गए हैं, पर उनको भी नहीं राइट पता कि हमारे टेक्स्ट में क्या है। सो आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसलिए बहुत सारे रेलिवेंट लेसन हैं जो स्क्रिप्चर्स में मिस हो रहे हैं अब, एंड वी आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो यथार्थ मेरा तो, अगर आपने मेरे रिसेंट पॉडकास्ट भी देखे होंगे, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू रीड, टू नो मोर, यू नो। मेरा तो, मैं आई ओनली अर्ज पीपल, मेरा एक ही मैसेज होता है कि डोंट टेक एनीथिंग ऑन फेस वैल्यू। यार, हम लोग मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी पुरानी चीजों को अंधविश्वास मान के छोड़ दें, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनको छुए भी नहीं, उनको टच भी नहीं करें। आप उठा के तो देखिए, आप वो स्क्रिप्चर्स उठा के देखिए, अब दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ट्रांसलेशंस। सो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्ट है, आप उस लैंग्वेज में उठा के देखो, इंडिया की सारी लैंग्वेजेस में है ट्रांसलेशन। सो वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, जो भी है, आप उसमें उठा के देखो यार, आप पढ़ो तो सही, कोशिश तो करो। और मैं बस यही, मेरा मैसेज बस यही होगा कि एज लॉ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो दिस इज वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू मैंशन, पराशर स्मृति और जो दूसरे लॉ बुक्स है, आई डोंट नो, यू कुड हैव अ डिबेट ऑन देम, यू नो, व्हाट द प्रोज एंड कॉन्स, और व्हाट आर द गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, एंड आई टेल यू दिस, लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। उसमें द बिगेस्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड, यू नो, फ्रॉम पराशर स्मृति वॉज के सजा काटने के बाद वो बंदा बाइज्जत बरी हो जाता है, वो उसके ऊपर वो कभी भी यू नो जो इल्जाम लगा है, वो ऐसा नहीं कि वो सारी उम्र वो कहलाएगा। देर आर सो मेनी प्रायश्चित्स दैट आर गिवन इन दीज टेक्स्ट, विच शोज अस कि उनका पर्पज ये नहीं था कि हम तुम्हें ब्लेम करके सोसाइटी से ऑस्ट्रसाइज करने वाले हैं, एक्सकम्युनिकेट करने वाले हैं, नहीं। दे आर गिविंग पीपल द ऑप्शन टू ज्वाइन बैक इन द सोसाइटी आफ्टर डूइंग अ सर्टेन पेनेंस। आपको एक प्रायश्चित करना है, और वो करके आप वापस सोसाइटी में ज्वाइन कर लोगे, एंड नोबडी विल से एनीथिंग टू यू। सो आई थिंक देर इज सो मच, और आप लोगों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि एक्सप्लोर दीज लॉ बुक्स, एंड प्रोबेबली यू कैन हैव अ सेशन विद इन योर टीम, विद इन योर यू नो योर बैच ऑफ, यू नो, यू कैन डिवाइड योर सेल्स एंड हैव डिस्कशंस ऑन डिफरेंट लॉ बुक्स दैट आर अवेलेबल, एंड दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। कोई यस मतलब बहुत सर, डिफिकल्ट नहीं है उनको प्रोक्योर करना। सो माई राइट मैसेज इज रीड मोर एंड फाइंड आउट मोर, दैट इज इट।